नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जो बुलेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आए जी, जो कि यूपीएससी की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है जी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यूपी सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे टीजीटी की पोस्टें खुली थी, अब पीजीटी की पोस्टों के बारे में आप बात कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें पे स्केल भी एज कम्पेयर टू टीजीटी के बहुत अच्छा है जी, ठीक है। और इसमें दो पोस्टें हैं, दो एडवर्टाइज नंबर 2 है, और इसमें मास्टर डिग्री आपके रिलेटेड सब्जेक्ट में मांग रखी है और नॉलेज मांग रखी है। और 624 पोस्टें कम है जी, बट सैलरी अच्छी है। इसमें सैलरी है जी 47,600 से लेकर 1,15,100 तक आपका पे स्केल, सॉरी 1,51,100 तक आपका पे स्केल रहने वाला है। 9 जून से फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो चुके हैं, 3 जुलाई इसकी लास्ट डेट है जी। 750 रुपये मैक्सिमम फीस है, और मिनिमम एज की बात करें तो 21 साल एज आपकी मिनिमम मांग रखी है, ठीक है जी। और पे की जो आपकी एग्ज़ाम की फीस है, लास्ट आप 6 जुलाई तक पे कर सकते हो, और लास्ट फॉर्म कंप्लीट करने की 9 जुलाई है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं, जनरल ओबीसी इकोनॉमिक वीकर सेशन की 750 रुपये फीस है, इकोनॉमिक वीकर सेशन की 600 रुपये, 650, और SC ST की आपकी 450 रुपये फीस टोटल में रहने वाली है। यहाँ पर किसका आवेदन शुल्क कितना है, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क कितना है, टोटल में आपके कितने चार्ज रहने वाले, पूरी डिटेल आपको बता दी है। इसमें देख सकते हो, आपको एक चीज़ और देखने को मेंशन देखने को मिल जाएगी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की पोस्टें। इसमें मास्टर डिग्री एक तो रिलेटेड सब्जेक्ट में मांगी है, और सब्जेक्ट वाइज आपकी क्राइटेरिया बता रखा है, ठीक है। और इसमें बालक पोस्टें यानी कि मेल की 549 हैं, बालिका यानी कि फीमेल की 75 पोस्टें हैं। कितनी है जी, 75 पोस्टें इसमें मिलने रहने वाली हैं। और अलग अलग 17 ये और 14 ये अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी पोस्टें, सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज आपकी पोस्टें रहने वाली है। ये इसमें 75 है जी, और ये फीमेल के लिए, ये मेल के लिए 549 है। ये सारी डिटेल आपको मेंशन कर दी है, देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद एज की बात करें तो मिनिमम एज मेंशन की है जी, 1 जुलाई तक आपकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए। आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल रहने वाला है। और इसमें आपका रिटर्न एग्जाम होगा जी, ठीक है, जो कि 425 मार्क्स का होगा। हर एक क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का। और इसमें आपका जो योग्यता है यूपी के अनुसार है, तो आपके 25 मार्क्स उसके रहेंगे, और टोटल में 500 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम रहने वाला है। किस सब्जेक्ट के लिए क्या कुछ चाहिए, हिंदी के लिए देख सकते हो, हिंदी या संस्कृत में आपकी ग्रेजुएशन होनी ज़रूरी है, ठीक है जी। और इसके हिसाब से आपको पूरी की पूरी संस्कृत के साथ आपकी ग्रेजुएशन होनी ज़रूरी है, BA BEd भी आपकी होनी ज़रूरी है, ठीक है जी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की पोस्टें अलग अलग सब्जेक्ट वाइज है जी, हर एक के लिए अलग अलग देख सकते हो, बट क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी मेल और फीमेल दोनों के लिए सेम है, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पर भी कंसर्न कर सकते हो, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक आप कन्फर्म कर सकते हो। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको यहाँ से अपडेट मिल जाएगी। ये ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक है जी, इसमें जैसे 2 नंबर विज्ञप्ति पर आप करोगे क्लिक, तो यही आपको पूरे का पूरा प्रोसेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई होगा जी, कोई भी ऑफलाइन मोड में नहीं है, ठीक है। और इसके जो पोस्टें हैं, पोस्टों की संख्या बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। और 10% आपका EWS की इकोनॉमिक वीकर सेशन के लिए रिजर्वेशन अलग से रहने वाली है। ये नंबर आपको प्रोवाइड करवा दिए, सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक आप कंफर्म कर सकते हो। कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, ये कैसे आपने रजिस्ट्रेशन करना है, पूरे का पूरा प्रोसेस बता दिया है, फीस स्ट्रक्चर आपको बता ही चुके हैं। और उसके बाद मेन चीज़ जो आती है, इसमें आपकी जो फ़ोटो होगी, फ़ोटो में 70% आपका चेहरा दिखना चाहिए, 5 से 30 KB के बीच में फ़ोटो आपकी होनी चाहिए। आंखों पर अगर चश्मा आपके लगा हुआ है, स्पेक्स लगे हैं, तो स्पेक्स उतार कर आपने फ़ोटो खिंचवानी है जी, ठीक है जी। ये चीज़ें नोटिस जरूर कीजिए। 21 साल मैक्स मिनिमम एज मांगी है, और वेतनमान ग्रेड पे 8 ग्रेड पे लेवल का है जी। इसमें 4800 आपको GP मिलने वाला है, और 47,600 से लेकर 1,51,100 तक आपका पे स्केल रहने वाला है।
अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको रिजर्वेशन उसकी होनी चाहिए यूपी की, यूपी के हो तो ही आपको रिजर्वेशन मिलेगी। और 4% दिव्यांग को, 4% 5% सैनिक एक्स सर्विस मैन जो सैनिक हैं, ठीक है, कम दृष्टि वालों को, अपंगता वालों को, इनको 4% रिजर्वेशन अलग से रहने वाली है, ठीक है जी। और कोई जो शारीरिक रूप से विकलांग है वो उनको भी रिलैक्सेशन अलग से रहने वाली है। स्वतंत्रता सेनानियों के अगर पुत्र हैं पुत्री है उनको, चाहे विवाहित है चाहे अविवाहित है, तो उनको भी रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। बट आप होने यूपी के चाहिए, ठीक है जी। ये सिलेक्शन का प्रोसेस आपको पूरा प्रॉपर वे में बता ही चुके हैं ऑलरेडी। और हर एक में आपको 3.4 प्रश्न, 3.4 अंक का होगा हर एक क्वेश्चन, ठीक है जी। और इसमें 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, ऑप्शनल आपका एग्जाम होगा, यानी कि 4 ऑप्शन होंगे। और इसमें नेक्स्ट बात करते हैं तो उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट काउंट की जाएगी। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली बात है भी आपका अदर स्टेट से अप्लाई करोगे तो जनरल में काउंट होंगे, जनरल में जो पोस्ट हैं वही आपके लिए रहने वाली हैं, ठीक है। किसके लिए कितनी पोस्ट हैं वो डिस्कस आप कर लेते हैं थोड़ी सी। ये देख सकते हो जैसे नागरिक शास्त्र में 14 पोस्ट है जनरल की, 7 पोस्ट है ओबीसी की, 9 पोस्ट है एससी की, एसटी की कोई भी पोस्ट नहीं है, टोटल में 30 पोस्ट हैं। इसी तरह रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, मैथ, इंग्लिश, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, हिंदी, कृषि, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, संस्कृत, कला और वाणिज्य, इनके अलग अलग पोस्ट है। 549 पोस्ट है पुरुषों के लिए और 75 स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए। इसी तरह आपको यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल बता दी है, जो कि यार डिटेल आपको यहाँ पर भी हमने पोर्टल पर अवेलेबल करवा दी है। इसमें आपकी बी एड होनी जरूरी है जी, ये चीज़ जरूर नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। और पीएचडी भी होनी जरूरी है। अगर आपके पास स्पोर्ट्स कोटा तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। बीएड आपकी होनी चाहिए किसी भी राष्ट्रीय संस्कृत कॉलेज से, वाराणसी से हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहने वाला है। इसी तरह मैथ में बात करें तो एम ए होनी चाहिए, एमएससी मैथ में होनी जरूरी है, ठीक है जी। और इसमें भी बीएड एमएड आपकी मांग रखी है। ये सारी की सारी अलग अलग के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन बताई है, वो आप चेकआउट अपने हिसाब से कर सकते हो। जिस कैंडिडेट ने जिस पोस्ट के लिए, जैसे मान लीजिए शिक्षा शास्त्री के लिए अप्लाई करना है तो शिक्षा शास्त्री का ही आपको पूरे का पूरा क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है, ठीक है। दूसरों की ना देखिए, जिस सब्जेक्ट में आपने अप्लाई करना है उसी सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन आपको चेक करनी होगी, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो भी हाँ, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने का मेथड बिल्कुल ईजी वे में है जो आपको हम बताने जा रहे हैं। हाँ, किसी को समझ ना आए तो हमें वो भी कह सकते हो, आपको डेमो भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसमें कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आपने आना है, ठीक है जी। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आती है आपको यहाँ पर 2 नंबर में देखने को मिल जाएगा पीजीटी, एक है जी टीजीटी, एक है पीजीटी, दोनों की आपको टीजीटी की सुबह मॉर्निंग में आपको पूरी की पूरी डिटेल दे दी है। इसी तरह यूजर इंस्ट्रक्शंस, अप्लाई करने के लिए इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए, यहाँ पर एडवर्टाइज देख सकते हो। अप्लाई करना है, सिंपली अप्लाई पर क्लिक करोगे, अप्लाई पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको सिविक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोग्राफी, मैथ्स, इंग्लिश, साइकोलॉजी, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसके बिल्कुल सामने आपको रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। इसमें 17 अलग अलग सब्जेक्ट हैं, सभी में आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन देखने को मिलने वाला है। जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स भी आप देख सकते हो। यहाँ पर व्यू में बात करेंगे तो आपको पूरे का पूरा इसमें पोस्ट के रिगार्डिंग व्यू देखने को मिल जाएगा, पोस्ट के रिगार्डिंग आपको पूरे का पूरा व्यू देखने को मिल जाएगा कि कितनी फीस है वो फीस। यहाँ पर ये भी देखने को मिल जाएगा बी एड मांगी है और एम एड मांगी है, डी फिल या पीएचडी मांगी है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। जैसे ही आप क्लिक करोगे अप्लाई करने से पहले मैं यही कहूँगा भी आप ये चीज़ जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, जिस पोस्ट, जैसे मैंने इकोनॉमी के लिए व्यू किया है, व्यू में आप हमें कंफर्म हो गया जी, एक तो एसेंशियली क्वालिफिकेशन जरूरी है जो ग्रेजुएशन एमए एक इकोनॉमिक्स में होनी जरूरी है क्योंकि इकोनॉमिक्स में मैंने अप्लाई करना है, ठीक है। और उसके बाद प्रेफरेंस, अगर मेरे पास बीएड है या एमएड है या एमडी फिल है या पीएचडी है तो प्रेफरेंस मेरे को सबसे ज़्यादा मिलेगी, ठीक है जी। यानी कि
ये तो क्वालिफिकेशन कंपलसरी है ही है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन, जो प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन हर एक में, जैसे कोई भी पोस्ट खोलोगे, मैं और खोल के ओपन करके दिखा देते हैं। जैसे मान लो साइकोलॉजी की बात करें, तो साइकोलॉजी में भी इसी तरह MEd, BEd और आपकी PhD मांगी। अगर आपकी नहीं है साइकोलॉजी में, तो आप ग्रेजुएशन और MA के बेस पर भी कर सकते हो, ये मैंडेटरी है, ज़रूरी है, बट ये डाउन वाले ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आपके पास ये MEd या BEd या DPhil है, तो आपको सबसे पहले प्रेफरेंस सबसे पहले मिलेगी। यानी कि सब, अगर कोई BEd MEd वाला नहीं आता, MA के बराबर आप कंपेरेटिवली सेम कट ऑफ पर आते हो, तो BEd वाले को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी, ठीक है जी, क्योंकि क्वालिफिकेशन उसकी ज़्यादा बेटर है। और उसी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, उसके सामने रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए। हर एक का अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, ठीक है जी। और यहाँ पर आपने ऑन पर क्लिक करना है। ऑन पर क्लिक करते ही यहाँ आई एक्सेप्ट पर क्लिक किया, आई एक्सेप्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर अपना नेम, फादर नेम यहाँ पर देख सकते हो। पोस्ट भी ध्यान से देखिए, इकोनॉमिक्स में ओपन की है, इकोनॉमिक्स ही मांगी हुई है, ठीक है। इकोनॉमिक्स पोस्ट के लिए ही मैं अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिड हो, अनमैरिड हो, डाइवोर्सिड हो, वो पूरी चीज यहाँ पर, सिटीजन, ठीक है, डोमोसाइल कहाँ के रहने वाले हो, कैटेगरी क्या है, मोबाइल नंबर, मेल आईडी आपकी, हाउस नंबर आपकी, ग्रेजुएशन, हाँ ठीक है जी, इंटरमीडिएट, और उसके बाद आपकी लॉ की डिग्री, ग्रेजुएशन मांगी है किसी में, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मांगी है, MA मांगी है, तो ये चीज़ें आपने मैंडेटरी फिलअप करनी है। और उसके बाद ये कि जो भी कैप्चा आएगा, कैप्चा फिलअप करके आपने सिंपली वैलिड एंड प्रीव्यू पर क्लिक करना है। सबमिट करने से पहले प्रीव्यू ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें करेक्शन का कोई भी आपको दोबारा ऑप्शन नहीं मिलेगा। और प्रिंट आउट जरूर ले लीजिए, और सारे डॉक्यूमेंट अप्लाई करके, अपनी फीस पेमेंट करके प्रिंट आउट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको ऑफिशियली examjobalert.com पर आपको पूरी पूरी डिटेल प्रोवाइड करवा दी है, यहाँ से सारी सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी रही है। इसी तरह की और भी अपडेट्स पाने के लिए चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो शेयर करने से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वीडियो और ये यूट्यूब का लिंक शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।